तो दोस्तों हम पाई चार्ट की एक नई प्रॉब्लम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं इस प्रॉब्लम में किस तरीके से हम क्विकली अपने मेथड को लगा सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम बचे और हम स्पीड से अपनी प्रॉब्लम को कर सकें। तो यहाँ पर किसी प्रकाशन द्वारा 2017 में जो पुस्तकें बनाई गई हैं वो ये दिया हुआ है नंबर 22-13-00, ठीक है। और गणित की कितने परसेंट बनाया, अंग्रेजी विज्ञान संस्कृत और सामाजिक विज्ञान में कितने कितने परसेंट उसने बनाया, ये पूरा पाई चार्ट में दिया गया है। 2018 में उसने उसी पुस्तकों में की टोटल संख्या में 40% का इजाफा कर दिया, तो 40% अधिक हो गया, तो हमको 22-13-00 का 40% कैलकुलेट करना होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि 2018 में कितनी टोटल पुस्तकें बनी। फिर उनमें जो परसेंटेज चेंज हुआ है कि गणित की यहाँ पे 14% कर दिया, यहाँ 15% ही थी, अंग्रेजी की यहाँ 11% थी, यहाँ पे 10% कर दिया, तो टोटल यहाँ पे भी परसेंटेज दिया हुआ है जो 2018 में उसने छापा है। अब इन दोनों पाई चार्ट पर बेस्ड हमको प्रॉब्लम करनी है, तो पहले एक छोटी सी आसान सी प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना करने की प्रैक्टिस हो जाए। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत फास्ट आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास प्रॉब्लम है कि सन 2017 में बनाई गई संस्कृत की पुस्तकों की संख्या होगी और ये आपके पास ऑप्शन है, तो संस्कृत की पुस्तकों की संख्या हमको 2017 में निकालना है। टोटल हमारे पास कितनी है पुस्तकें, 22-13-00, तो अगर मैं पहले इसका 10% निकाल लेता हूँ तो 10% कितना हो जाएगा, 22-13-10, और अगर मैं इसका सपोज करो 5% निकाल लेता हूँ तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 11-065, और अगर मैं इसका 1% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22-13 हो जाएगा। तो मेरे पास 10% भी मौजूद है, 5% भी मौजूद है और 1% भी मौजूद है। अब मुझे जितना भी परसेंटेज निकालना होगा वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 2017 में जो हमारी संस्कृत की पुस्तकें बनाई गई वो कितने परसेंट है, 26% है, तो 26% हमको निकालना है, 22-13-00 का 26% निकालना है। तो 26% निकालने के बजाय हम 22-13-00 का पहले 20% निकाल लें, फिर 5% निकाल लें और फिर 1% निकाल लें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि 10% इतना है तो 20% जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो डबल कितना हो जाएगा, 44-260, और प्लस 5%, 5% आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पर 11-065, और 1% भी आप यहाँ पर निकाल चुके हो तो 22-13 हो गया यहाँ पे। तो देखिए अब आपको इन तीनों का सम करके आंसर निकाल देना है। तो तीनों के सम में देखिए जो यूनिट डिजिट है ये 5, 3, 8 और ये 0 है, यानी यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए। अब आपके ऑप्शन में देख लीजिए किसी के यूनिट प्लेस पे 8 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 8 है, तो आपको पूरा सम भी नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को बिना सम के आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, बाकी किसी के यूनिट प्लेस पे 8 नहीं है, तो इसका सम यही आएगा जो एग्जाम में दिया हुआ होगा। तो चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर जो इन पाई चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दी गई है। प्रॉब्लम यह है कि 2018 में अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या 2017 में गणित की पुस्तकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। आप एक प्रॉब्लम पहले आपको मैंने बता चुका हूँ कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, इस प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता है क्या होता है, इसका आंसर जो आता है एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो हम यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, x बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 100% का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा x, x 2017 में ये हो जाएगा हमारा y का कितना प्रतिशत होगा। तो ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। तो क्विक मेथड से हम कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। वैसे आप 2018 में अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या निकाल लीजिएगा और 2017 में गणित की पुस्तकों की संख्या निकाल लीजिएगा और फिर अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या डिवाइडेड बाई गणित की पुस्तकों की संख्या मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो, लेकिन ये आपको टाइम लगेगा इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो कोई ऐसा स्मार्ट वे निकालते हैं, स्मार्ट तरीका निकालते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसको समझ गए और प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम में आप मुश्किल से 10 सेकंड में प्रॉब्लम को कर देंगे। तो किस तरीके से करना है कि 2018 में अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या, अब 2018 में अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, 10% निकालना होगा किसका, 40% का, और 40% किसका निकालना होगा, 22 का। तो 2018 में जो हमारे पास अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या होगी वो 22-13-00 का 40% का 10% होंगी, ठीक है। और इसमें हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमारा x हो गया, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 2017 में गणित की पुस्तकों की संख्या। अब 2017 में गणित की पुस्तकों की संख्या 15% है, तो क्या निकालेंगे हम, 22-13-00 का केवल 15% यहाँ पर निकाल देंगे और गुणे यहाँ पर 100 करेंगे, इतना प्रतिशत हमारा आंसर आएगा। तो ये एक स्मार्ट वे हो जाएगा जिससे आप आसानी से जल्दी से निकाल सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए
और एक परसेंटेज यहां से कैंसिल हो गया और ये परसेंटेज इस 100 को कैंसिल कर दिया। तो सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना है, 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 15, ये कैलकुलेट करना है, इतना परसेंट होगा जाकर के ये आपका। तो ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80/3 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 6, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना परसेंट आ गया, 26% आ गया अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमको किसी का परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर अगर हम स्मार्ट वे से फार्मूले में पुट करते हैं तो ये चीज़ें अपने आप कैंसिल हो जा रही हैं और हमको छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो आप जब भी पाई चार्ट की प्रॉब्लम को उठाइएगा तो उसमें स्मार्ट वे करना सीख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे ही आपको सीखना है। थैंक्स। तो दोस्तों एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, इस पाई चार्ट से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम और किस तरीके से हम स्मार्ट वे में इसको जल्दी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 2017 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या और 2018 की विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का अंतर हमको निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका यह है कि 2017 की हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कैलकुलेट कर लें, जो 29% है 22-23 00 का। आप आराम से इसका 29% निकाल सकते हैं, क्योंकि 29% कितना हो जाएगा, 10% या 30% निकाल करके 1% माइनस कर दीजिएगा। दूसरा 2018 की जो विज्ञान की पुस्तकें निकालना है, वो विज्ञान की पुस्तकें हमारे पास कितनी है, 24% है, लेकिन ये 40% का 24% है जो इसका बढ़ी हुई पुस्तकें होंगी। तो पहले हमको 22-13 00 का 40% निकालना पड़ेगा, फिर उसका हमको 24% निकालना पड़ेगा। तो दोनों की अलग अलग पुस्तकों को निकाल करके हम माइनस कर देंगे, लेकिन ये आपको बहुत समय लगाएगा, इसमें समय लगेगा आपको ये चीज़ करने में। तो कोई स्मार्ट तरीका निकालते हैं जिससे ये आसानी से हो जाए। तो हमको डिफरेंस निकालना है किसका, 2017 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। तो ये कितनी हो जाएंगी, 22-13 00 का सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का संख्या हमारे पास 29% दिया हुआ है, तो हमको 29% निकालना है माइनस। अब हमको क्या करना है, 2018 की विज्ञान की पुस्तकों की संख्या निकालनी है, जो 22-13 00 का पहले हमको 40% निकालना है और फिर इसका हमको कितना 24% निकालना है, ये निकालना है डिफरेंस, इस डिफरेंस को हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों में नंबर कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, 22-13 00 निकाल लेंगे और यहाँ पर 29% माइनस 40% का 24% कर देंगे। और आपको पता है एक फार्मूला कि एक्स परसेंट का वाई परसेंट कितना होता है, एक्स वाई अपान 100% होता है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 22-13 00 इसका हमको, ये तो 29% ही रहेगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2496 9.6% हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ये कितना निकालना है, 22-13 00 में से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 29 - 9.6, तो कितना हुआ जा करके ये 20 में से 19.4% आपको निकालना है, यानी इसका 19.4% निकालना है आपको। तो आप जानते हैं कि इसका 10% कितना होता है, 22-13 00 का 10% आप ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, लेकिन फिर मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, तो 130 होगा। और इसका 1% कितना होगा जा करके, अगर मैं इसी का 1% कैलकुलेट करता हूँ तो 1% आपको पता है कितना होगा जा करके, इससे 1 डेसिमल और कट जाएगा ये, तो 22-13 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपको इसका 0.1% कैलकुलेट करूँ तो 0.1% कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 221, लेकिन यहाँ पे हमको 4 times कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इसमें से 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 488 ये आ जाएगा हमारे पास डेटा। अब मैं इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या करना है इसको, 22-13 00 का हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, 20% और माइनस हम कितना कर देंगे, 0.06% कर देंगे। तो बेहतर होगा इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से ना मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 6 और 6 × 12 = 13, ये हो जाएगा आपके पास। अब 20% आपका कितना हो जाएगा, 10% आपको पता है कि 22 से 130 है, तो 20% आपका हो जाएगा जाकर के 44-260 और इसमें से माइनस करना है आपको कितना, 1326। तो अगर इसमें से आप 1326 माइनस कर दे रहे हो तो ये वो संख्या आ जाएगी जो दोनों का डिफरेंस होगा। अब अगर इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें ये एक नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो डिफरेंस करने पे देखिए, 10 में से अगर 6 घटाएंगे आप तो 4 आएगा, 4 किसी के लास्ट में है नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ई सही होगा। तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आसान सा तरीका होगा, स्मार्ट वे होगा। ये आपको समझने में भले थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर आप एक बार इस प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम में इस टेक्निक को लगा करके अपना समय बचा सकते हैं।